जी जी सुन रहे सलाम अलैकुम और आप सब मेरी आवाज आ रही है? हेलो सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे सर? आपके बेटे की तबीयत कैसी है? ठीक है जी बेटा, मैं कह रहा हूँ सर, बेटे की तबीयत कैसी है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अब बहुत बेहतर है। जाना पड़ा, यानी मैंने लेक्चर आपको दे दिया रिकॉर्ड फॉर्म में रूम पे, वो आप देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए। जी जी सर, थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए इंशाल्लाह, देन वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। और लास्ट फ्राइडे जब क्लास थी उस टाइम अलहमदर मुझे अल्लाह ने बेटा अता किया था, ठीक है, जब आपकी क्लास थी, जब यू नो लास्ट फ्राइडे। सर मुबारक हो जी, खैर मुबारक, थैंक यू सो मच बेटा, बस दुआ करें अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। शेयर स्क्रीन शेयर की है बेटा आप सबके साथ, देखिएगा ये चेक की, और आप सबके मार्क्स जो असाइनमेंट और क्विज के ना मैंने अपलोड कर दी हूँ LMS पे, और सर जी पोर्टल पे आप देख लीजिएगा, अगर किसी को इशू हो तो मेरे से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, आई होप कि मैं आपको इस वीक में एक असाइनमेंट दूंगा, और असाइनमेंट 4, और एक प्रोजेक्ट भी मैं सोच रहा हूँ आप सबको असाइन करूँ, सो इंशाल्लाह होप सो इन दिस वीक आई विल कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ यू। और उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए मे भी आपको स्टूडेंट्स अपना 3-3 का ग्रुप एक बना लीजिएगा, उस ग्रुप के फॉर्म में आप उस प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। उसकी जो गाइडलाइन होंगी वो आप सबके साथ में शेयर करूंगा, और आपको पूरा गाइड भी देंगे किस तरह से आपने इसको करना होगा। इंशाल्लाह आई विल प्लान टू ऑल ऑफ दिस थिंग दिस वीक एंड आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू ऑन LMS, और अनाउंसमेंट भी मैं इसको शेयर कर दूंगा। जी डियर स्टूडेंट्स, अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल रहमान खालिद प्रेजेंट सर, ला हसन, अबू हुरैरा जवेद, अली हैदर, आर्यन अहमद प्रेजेंट सर, बुरहानुद्दीन, दानियाल खलील, फैसल दराज, यस सर, हाफिज अबू बकर, यस सर, हमजा मोहम्मद जमील, यस सर, हाशिम मसूद, हाशिम मसूद, हसन अब्बास मिर्जा, हसन अब्बास मिर्जा, हसन अली, यस सर, हसन अली प्रेजेंट जी, हसन रजा प्रेजेंट सर, इत्तहा अली, कामरान जावेद, यस सर, मोहम्मद शहरियार, यस सर प्रेजेंट, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली,
मोहम्मद फरहान सर, मोहम्मद अली प्रेजेंट सर, मेरे सिग्नल का इशू चल रहा है तो मैं कैसर के साथ यहाँ पे आके पढ़ाई वगैरह कर रहा हूँ, कैसर खान की तरफ हूँ सर। मोहम्मद अली बात कर रहे हैं? यस सर, मोहम्मद अली बात करो, मैं कैसर खान के साथ हूँ, मेरे मोबाइल का इशू था तो फिर हम इकट्ठे क्लास ले रहे हैं। ट्राई करें अपने अकाउंट से भी लॉग इन, ठीक है? अटेंडेंस मैंने आपको लगा दी। मोहम्मद फरहान, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद हमजा सदीक, मोहम्मद हसीब अशरफ प्रेजेंट सर, मोहम्मद उस्मैन प्रेजेंट सर, मोहम्मद कैसर खान प्रेजेंट सर, मोहम्मद कासिम सईद प्रेजेंट सर, यस सर, मोहम्मद शोएब प्रेजेंट, शोएब नासिर, शहजादा मोहम्मद निशान, यस सर प्रेजेंट, शेर अफगान जी, शेर अफगान है, तलहा रफी, यस सर प्रेजेंट, तलहा रफी, आरिक शाह प्रेजेंट, सामाकरम, सामाकरम, उस्मान अली, यस सर प्रेजेंट, बुखार अहमद, यस सर बुखार अहमद प्रेजेंट, अटेंडेंस नहीं और लेट ज्वाइन किया प्लीज रेज योर हैंड, एक तब होना रहा जवेर में शो हो रहे हैं ये आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी बेटा जी। और कोई स्टूडेंट्स ने भी लेट ज्वाइन किया और उसके अटेंडेंस ना आई हो सर? कुछ को लिंक अभी मिला है वो भी आ रहे हैं क्लास में, कुछ बच्चों को लिंक अभी मिला है वो भी आ रहे हैं क्लास। सॉरी मुझे थोड़ा ऊंचा बोलें सर, लिंक अभी मिला है कुछ लड़कों को वो भी अभी आ रहे हैं क्लास में, मैं कह रहा हूँ। आई थिंक सो आप कह रहे हैं कुछ और स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं जी। जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है प्लीज रेज योर हैंड, आई सेड कि मैं अटेंडेंस लगा दूँ। जी अबू हुरैरा जो सॉरी वहाँ पे शेर अफगान आपकी अटेंडेंस बेटा मैंने लगा दी है, और बुरहानुद्दीन आपकी भी अटेंडेंस लगा दी, ठीक है चलेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी हाफिज़ अबूबकर, वालेकुम सलाम सर। सेकंड क्विज के मार्क्स नहीं लगे मेरे जी, सेकंड क्विज के मार्क्स नहीं लगे मेरे पोर्टल पे। उसका जो इशू हो तो मेरे से या तो ईमेल करें मुझे या व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पर्सनली कांटेक्ट करें, ठीक है? तो उसको मैं चेक कर लूं, ठीक है सर? ओके इस तरह से जिसका जो भी इशू है वो चेक कर ले, फिर मेरे से बात कर ले, व्हाट्सएप पे कर ले, पर्सनली मुझे कांटेक्ट करें या ईमेल करें, उसको मैं चेक कर लूंगा नीचे। जी अबू हुरैरा जो आप क्या कहते हैं, बुरहान दिन आपके अटेंडेंस मैंने लगा दिया था। अबू हुरैरा जो जी आप अनम्यूट करें अपने आप को, आपके अटेंडेंस मैंने लगा दी है। सर वो तैयब का ये भी यही इशू चल रहा है, वो मुझे कह रहा नहीं ज्वाइन हो रहा, ये आया आप कुरान दिन क्या कह रहे हैं? चले आप सबको अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ड्यूरिंग लेक्चर। अच्छा आपको अनम्यूट करूँ बेटा, मैंने तो अभी म्यूट किया ही नहीं है, सोइए ने आपको अनम्यूट कर दिया, वो कहना बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। कामरान जवेद अभी क्लास में था लेकिन लाइट की वजह से उसका सेल फोन डेड हो गया, वो कह रहा था मेरी अगर प्लीज अटेंडेंस लगा। ज्वाइन तो कोई नहीं किया सेक्शन सेशन अभी जी। कामरान जवेद आए तो नहीं अभी, अभी तक नहीं सर, वो क्लास में था, उसकी 1% बैटरी थी, लाइट नहीं है उसकी तरफ, लाइट का इशू है तो वो डेड हो गया सेल फोन उसका। आप अपना नाम लिखा करें, पता नहीं चलता जी बेटा। सर वो 054। आपका नाम क्या है? मोहम्मद तैयब नासिर।
नासिर बेटा अपना नाम लिखा करें भाई, प्लीज राइट योर नेम, ठीक है? आपका स्टूडेंट आईडी लिखिए तो आपका ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, ठीक है? आपके अटेंडेंस मैंने लगा दी है जी। जी डियर स्टूडेंट, ओके, नाउ वी नीड टू स्टार्ट अवर लेक्चर। सो स्क्रीन आप सबके साथ मैंने शेयर किया हुआ, आई होप कि आप सबको नजर आ रहा होगा जी। जिन स्टूडेंट्स का अटेंडेंस रहेगी ताजन फिर मुझे एंड पे बताइएगा, ठीक है? लेक्चर के एंड पे, अब हमने स्टडी भी करना है, लेक्चर को भी देखना है। सो टुडे यू पीपल लर्न अबाउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, अपन मैट्रिक्स, किसी भी जो मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, यू पीपल विल लर्न अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन, द डेफिनेशन वन, this definition, and definition one is about eigenvalues and corresponding eigenvectors. So this definition one, in which we will see if A is an n cross n matrix, yahan pe scale matrix ki baat ki ja rahi hai, then a non-zero vector x in Rn, and you know this Rn is a vector space, the vector space hamare paas hoti hai, n-dimensional vector space ki baat ki ja rahi hai. So then the non-zero vector x in Rn is called an eigenvector of A. Ye hamare paas ek x vector hoga in Rn, this will be known as eigenvector of A if Ax is a scalar multiple of x, means that this Ax is a scalar multiple of x. यहाँ पे जो लैम्डा आपको शो हो रहा है, that is a scalar. So in this definition, we have a matrix A, and A is a scalar matrix, ठीक है? Then a non-zero vector x will be say an eigenvector of this matrix A if Ax, ये जो Ax होगा, A हमारे पास coefficient matrix होगा, x हमारे पास एक vector होगा, this will be equal to स्केलर मल्टीपल, यहाँ पे लैम्डा स्केलर है, मल्टीपल ऑफ एक्स, एक्स जो हमारे पास एक आइगन वेक्टर होगा उसके इक्वल है। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, सो वी विल इजीली सी कि हाउ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, मींस कि ए और एक्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, लैम्डा को एक्स से मल्टीप्लाई करें उसके इक्वल आंसर है, मींस कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हमारे पास हो, देन वी विल से दैट लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये जो लैम्डा होगा, दैट इज गिव्स अस एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, देन दिस विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर हमारे पास होगा, दैट विल बी नोन एज आइगन वैल्यू, ठीक है? इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वेक्टर है, अब वो वेक्टर कौन सा था, हमने जो बात की एक्स, देन एन एक्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू। So here in this definition we can see that, this is mai bata deta hu, gaur se suniyega again once again, we have a matrix A that is scalar matrix, then a non zero vector x, x hamare paas hai, is called in Rn, is called an eigen vector of A if this equality holds, this one means ki ax is equal to lambda x hamne prove karna hai, aur lambda yahan pe kya kuch scalar hoga, aur yahi lambda ko kya kahenge hum, that will be the eigen vector of A, और जो x हमारे पास होगा, that will be known as eigen vector corresponding to this eigen value lambda, ठीक है? तो इसको कैसे हम समझेंगे, eigen vector क्या होता है, eigen value क्या होती है, now you people will try to understand from this example, and this example I will show you example one. लेकिन इससे पहले कुछ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू नो कि जब हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज भी होती है, डिक्रीज भी होती है, डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द स्केलर, स्केलर पे डिपेंड करते हैं वो पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, ठीक है? सो यू विल सी हियर अ ग्राफिकल व्यू, इसमें हम कोई अगर आपके पास एक वेक्टर एक्स हो, इन दिस एग्जांपल यू कैन सी फिगर 5.1.1. In this figure we have, हमारे पास क्या है यहाँ पे देखें, we have a vector x और
डिफरेंट वैल्यूज हम ले रहे हैं लैम्डा के, दिस इज एक्स, अगर लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू वन हो, हमारे पास ये जो वेक्टर एक्स है उसका लैम्डा एक्स की फॉर्म, उसकी जो फिगर है वो इस तरह से बढ़ेगी हमारे पास। अगर लैम्डा जीरो हो जाए तो नॉन वेक्टर हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो टू वन अगर हम लेंगे तो एक्स तक ही जा सकते। सिमिलरली फॉर लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये एक्स की एक्चुअल लेंथ है एक्स। नाउ इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन लेंगे तो एक्स होगा, मोर देन वन लेंगे तो लैम्डा की लेंथ को इंक्रीज हो जाएगी। यू नो अगर अगर हमारे पास एक्स है, टू एक्स करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, या 1.5x कर दें इसकी लेंथ फिर भी x से 1.5x हो जाएगी। थर्ड कंडीशन में इफ लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू माइनस वन और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उसकी जो ग्राफिकल इसका व्यू होगा कुछ इस तरह से हमारे पास होगा, नेगेटिव में डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, जीरो लेंगे तो नॉन वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली इन द फोर्थ, अगर लैम्डा लेस देन इक्वल टू माइनस वन है, ये हमारा एक्चुअल वेक्टर x, लेस देन इक्वल टू माइनस वन ऑब्वियसली माइनस से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो इस तरह से इसकी जो नोटेशन है हमारे पास है। Now I will show you one example, how can we find the eigen, how can we check that a vector is eigenvector, and how can we check the value is an eigenvalue of a matrix A. Uske liye hamare paas example one hai. After this example I will ask you if you have any question about this, you please tell me, I will explain you the definition and also the any problem in example. So in example one, जो भी हमने ऊपर definition देखी थी उसी को apply करेंगे हम। The statement of this example one, eigen vector of 2x2 matrix. यहाँ पे eigen vector की भी बात होगी और eigen value की भी बात करेंगे। अभी in this example there is no method how to find eigen values and eigen vectors. This is just to show that how can we check that matrix have an eigen value and an eigen vector, वो हम check करने का method यहाँ पे देखते हैं। और इसको जो find करने का method वो next example देखते हैं। So first of all the vector x, याद है अभी हमने जो definition देखी थी उसमें क्या था, A is a square matrix था हमारे पास, ठीक है, और वो x हमारे पास एक vector था in Rn, अगर ये n cross n का matrix था तो ये आर एन में हमारे पास एक वेक्टर, देन वी विल से दैट दिस एक्स इज आइगन वैल्यू, सॉरी आइगन वेक्टर इफ ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, लैम्डा यहां पे क्या था तो स्केलर है, और इसी लैम्डा को हमने कहा था दैट इज आइगन वैल्यू, और इसी कोरिस्पोंडिंग जो वेक्टर एक्स है दैट इज विल बी नोन एज आइगन वेक्टर। सो एग्जांपल 1 द वेक्टर एक्स, और ये कैसा वेक्टर देखें, इट्स अ कॉलम वेक्टर 1 2 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स ए corresponding to the eigenvalue lambda is equal to 3. So if this vector x and lambda is equal to 3 is an eigenvalue of A, then it should satisfy Ax is equal to lambda x. This should satisfy karna chahiye. Isko kaise satisfy karenge, kaise check karenge, how can we check this one? This is very easy. Wo jo formula abhi humne dekha tha usi ke according. I hope aap sabko board nazar aa raha hoga, theek hai? Iski jo boundary kuch na kuch set kar main. So now we have given this matrix A, इसको हम चेक करेंगे कि जो given vector है, x हमें given है 1 2, this is given, this x is given 1 2, ठीक है, and also matrix A is given, और वो matrix A क्या है, square matrix है, देखिए इसका order है 2x2 है, 3 0 8 -1, इसकी entries है, and lambda is given, what is lambda, lambda is equal to 3. We need to check that this x is an eigenvector of this matrix and this lambda is an eigenvalue for this matrix A. Uske liye hame kya check karna, we need to check, we need to show that ax is equal to lambda x, hame ye show karna hai, means ke left hand side aur right hand side hamare paas same hai, okay, first we will find ax left hand side, what is a 3 0 8
माइनस वन, व्हाट इज एक्स, वन टू, इसको हम सॉल्व करेंगे, वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो बाउंड्री, इस रो को इस कॉलम से करें, थ्री इंटू वन थ्री प्लस जीरो इंटू टू जीरो आ जाएगा, एट इंटू वन एट प्लस साइन होगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू माइनस टू आएगा, दिस इज इक्वल टू थ्री एंड सिक्स ए एक्स. नाउ वी नीड टू चेक, ये जो भी हमने वर्किंग की है हमें ये देखना है, दिस इज ठीक है. नाउ वी नीड टू चेक दिस वन, ठीक है भाई. अब हम देखेंगे लैम्डा एक्स क्या है, लैम्डा एक्स, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज थ्री, व्हाट इज एक्स, वन टू, मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, मल्टीप्लाई करें, दिस इज वेरी इजी, थ्री इंटू वन थ्री, थ्री इंटू टू सिक्स, लैम्डा एक्स इज कॉमन, नाउ वी कैन इजीली सी दिस लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वी हैव सीन एक्स इज लैम्डा एक्स, बाय द डेफिनेशन वी कैन इजीली सी दैट दिस lambda is an eigen value of this matrix for square matrix, and the given vector is an eigen vector. Well, what about this eigen vector? Okay, now I think it is clear to all of you. How can we check this definition and eigen vector and eigen value for matrix square matrix? So we can check that the condition is satisfied. We use the eigen vector or eigen और आइगन वैल्यू हमारे पास आ रही है, आइगन वेक्टर और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आइगन वैल्यू यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जी जी डियर स्टूडेंट्स, आप बताएं किसी के अगर क्वेश्चन है अगर डेफिनेशन से रिलेटेड या इस एग्जांपल से रिलेटेड जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, प्लीज यू रेज योर हैंड और यू कैन टेल मी इन द चैट दैट इट इज क्लियर, सो वी कैन कंटिन्यू. जी बेटा, एनी क्वेश्चन टू एनीवन, कुछ पूछना है अगर किसी ने तो बताएं. जी डियर स्टूडेंट्स, दानिश खलील और कामना जो बेटा एंड पे मुझसे बात कीजिएगा अबाउट दिस अटेंडेंस, ठीक है, क्लास में. जी क्लियर टू एवरीवन अबाउट दिस आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, और इस एग्जांपल से भी आपने देख लिया, हाउ कैन यू चेक दैट एन अ वैल्यू इज आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स और अ वेक्टर इज आइगन वेक्टर फॉर अ गिवन मैट्रिक्स. उसके लिए एक डेफिनेशन को हमने अप्लाई किया, एक वेक्टर लिया, एक आइगन वैल्यू ली और फिर उसको चेक किया बाय द डेफिनेशन किस तरह से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, ठीक है. चलिए तारिक शाह कहते हैं इट्स क्लियर फॉर मी एंड आई होप तो बाकी सब स्टूडेंट्स को क्लियर होगा. मैं वेट कर रहा था कि आप से कुछ बताएं क्वेश्चन के लिए जरूर पूछे, और इसको हम इस तरह से देख सकते हैं ग्राफिकली, ठीक है. जैसे कि वेक्टर हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू वन टू है, तो वन एक्स की वैल्यू वन, वाई की टू, तो ये हमारा वेक्टर बनेगा एक्स. लैम्डा की वैल्यू क्या है थ्री, तो थ्री टाइम्स एक्स करेंगे तो हमारे पास थ्री और सिक्स, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, डायरेक्शन वही रहेगी, द रीजन हियर द स्केलर इज अ पॉजिटिव स्केल, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देगा और उसी डायरेक्शन में हमारे पास रहेगा दिस लैम्डा एक्स. सो इन दिस एग्जांपल यू पीपल सी दैट हाउ कैन वी चेक अ वेक्टर इज एन आइगन वेक्टर और एंड अ वैल्यू इज अ और स्केलर यू कैन से इज एन आइगन वैल्यू फॉर अ गिवन स्केल मैट्रिक्स. नाउ वी विल सी How can we find eigen values? कैसे हम find कर सकते हैं? वो अब हम सीखेंगे. Now the next theorem or the next definition will tell us that how can we find the eigen values? Just हमें matrix दिया हो और हमें eigen values find out करने के लिए हम क्या करेंगे? So for this we have theorem 5.1.1. Computing eigen values and eigen vectors. पहले हम eigen values की बात करेंगे, then we will see about eigen vectors. Theorem 5.1.1. If A is an n cross n matrix,
स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता है, देन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ एंड ओनली इट सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन. एंड वेरी इंटरेस्टिंग यू कैन सी और प्रोसेस टू फाइंड किया हुआ कैसे हमारे पास आती है. सो दिस इफ एंड ओनली सेटिस्फाई द इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू 0. हमारे पास इसकी इक्वेशन और दिस इक्वेशन इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए. ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर लैम्डा आइगन वैल्यू है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. इफ द कंडीशन इफ एंड ओनली इफ करें इफ ए इज अ मैट्रिक्स एंड इफ वी नीड टू फाइंड द आइगन वैल्यू देन दिस इक्वेशन 1 वी कैन राइट दिस इक्वेशन 1 इजीली फाइंड द वैल्यू लैम्डा. अगर इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 1 सेटिस्फाई करता है तो फिर वहां से लैम्डा की वैल्यू शुरू करता है. और यहां पे व्हाट इज कैपिटल आई, कैपिटल आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दिस कैपिटल आई. और इसका ऑर्डर क्या होगा, द सेम ऑर्डर एज द गिवन मैट्रिक्स ए. जैसे कि हमारे पास 2x2 का हो तो आइडेंटिटी भी 2x2 का होगा, अगर मैट्रिक्स ए 3x3 का हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का हो. ठीक है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसी से और आप नेक्स्ट सेशन में एग्जांपल दूं भी उसको हम चेक कर लेंगे. ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में कैन आल्सो राइट इट जनरल फॉर्म में देखने जाए इस तरह से आएंगे डिटरमिनेंट देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल टू 0. ठीक है, लैम्डा लैम्डा किससे मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगनल में 1 1 होंगे वहां पे लैम्डाज आ जाएंगे बाकी सब 0 होंगे. माइनस ए करेंगे तो ए के एंट्रीज माइनस 1 लैम्डा आएगा सर. उसका डिटरमिनेंट लेके इस फॉर्म में हम लिखा करेंगे और ये जो इक्वेशन है दिस इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए. जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ये इक्वेशन हमें क्या बताती है वाल, दिस इक्वेशन वी विल यूज टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा उसकी आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 1 को यूज करेंगे. कैसे यूज करेंगे नॉन यू विल सी. ठीक है, 5.1.1 फुल क्लियर है. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपने अभी इसको नोट भी करना है इसको हमने भी अप्लाई किया. नाउ एग्जांपल 2. इन एग्जांपल 2 यू कैन सी अ मैट्रिक्स इज गिवन दिस मैट्रिक्स और इसमें क्या है कि फाइंड फाइंडिंग आइगन वैल्यूज. अब हम आइगन वैल्यूज को फाइंड करें. ठीक है, और उसने रेफरेंस भी दिया है एग्जाम्पल 1 का. इन द प्रीवियस एग्जाम्पल यू पीपल सी दैट देयर वाज नो मेथड हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज डायरेक्ट डिग्री आइगन वैल्यू और डायरेक्ट वेक्टर देके हमने जस्ट चेक किया. अब ऐसा नहीं है यहां पे, वी नीड टू फाइंड. सो इन एग्जाम्पल 1 वी ऑब्जर्व दैट लैम्डा इज इक्वल टू 3 इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो एग्जांपल 1 में ऊपर की यही मैट्रिक्स था और लैम्डा इज 3 इसका आइगन वैल्यू थी जो यहां पे था लिखी हुई इसका. बट वी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड इट. ये भी तो आपको बताया कि कैसे फाइंड करना है, वो कैसे हम फाइंड करेंगे. नाउ यूज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स. कहते हैं कि इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे. अभी तो हमने एक आइगन वैल्यू की बात की थी लैम्डा इज 3, मे बी देयर आर सम अदर आइगन वैल्यूज और भी हो सकती है वो हम चेक करेंगे. और कैसे चेक करेंगे, बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वेशन 1 इसको हम यूज करते हुए इसके आइगन वैल्यूज को फाइंड करेंगे. सो नाउ इसको ए को नोट कर लें आप इस मैट्रिक्स ए एग्जांपल 2 और उसको बाद आप लोग साथ से सॉल्व करें जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिखेंगे और इसकी हेल्प से इसको सॉल्व भी करेंगे. आई होप इसको अब नोट किया होगा. सो नेक्स्ट इज Now we need to find the eigenvalues. हमें eigenvalues find करना है, ठीक है? तो कैसे find करेंगे? कौन सी equation use करेंगे? कौन बताएगा? Who will tell me? Which equation we will use to find eigenvalues? We need to use क्या नाम है इस equation का? जी बेटा, अबू हुरैरा जवेद दानियल खलील. What is the name of that equation? मोहम्मद तैयब नासिर. मोहम्मद हुसैन. मोहम्मद ताहिर.
कौन सी पोएम यूज करेंगे, क्या बताया मैंने? हसन रजा, हसन रजा रेज हैंड किया, ठीक है आपको बता रहा हूँ, बताए ये हसन रजा नो यू आर फन सर। सर करैक्टरिस्टिक इक्वेशन सर, यू आर राइट। नाउ वी विल यूज करैक्टरिस्टिक इक्वेशन टू फाइंड द आइगन वैल्यूज, इतने भी इसकी पॉसिबल आइगन वैल्यूज हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए करैक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करते हैं। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस वन, पीछे भी आपने देखा किसके इक्वल होती है हमारे पास, दिस इज अ करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस वन डिटरमिनेंट लैम्डा i माइनस a इज इक्वल टू जीरो, और इसको ऐसे लिख सकते हैं मे बी, चले उसे मे बी आपको कन्फ्यूज, इसको ऐसे रख देते हैं डिटरमिनेंट i माइनस a इज इक्वल टू जीरो। क्या था हमारा मैट्रिक्स a, मैट्रिक्स a क्या गिवन था हमें, मैट्रिक्स a इज 3 0 8 माइनस 1। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेंगे, सेम ऑर्डर का मैंने कहा था 1 0 0 1। व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद लैम्डा तो क्या होगा, will become lambda 0 0 lambda, ये आ जाएगा। और जब हम इसको क्या करेंगे, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो डिटरमिनेंट lambda i माइनस a इज इक्वल टू जीरो करें, देखिए आपके पास ये वाली इक्वेशन डिटरमिनेंट आ जाएगा lambda i माइनस a करें, माइनस करेंगे इनको lambda i से, ये वाली हमारे पास डिटरमिनेंट फॉर्म। And you can easily see now this is 2 by 2 matrix ka determinant hai. Kaise iska determinant find out karte hain, very easy. Main diagonal entry ko multiply karte hain minus the other diagonal entry ko multiply karte hain, dekhiye equation ye hamare paas aa raha hai. From here we can easily see that hame yahan se kya result milta hai, how can we find the value of lambda from this equation, lambda minus 3 is equal to 0, lambda plus 1 is equal to 3. From here lambda is equal to 3, from here lambda is equal to minus 1, so say you find out. So now you can easily see by using the characteristic equation you can find the eigen values. Last example you want usme just ek eigen value given to 3, and here we can see we have another eigen value, we discovered another eigen value that is lambda is equal to minus 1. So we noted in example one we have discovered, in example one we have only one eigenvalue lambda is equal to 3, but here we discovered another eigenvalue that is lambda is equal to minus 1. Ye dear students, clear to everyone? Kaise hum eigenvalues ko find out karenge, to question hai dekho time ki characteristic equation ko use karte hue hum eigenvalues kaise find karenge, this is very easy I think so. और इसमें अभी तो 2x2 का मैट्रिक्स है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है, एंड सो ऑन। जी क्वेश्चन है बेटा आप में से किसी का, पूछना चाहते हैं बताएं, जी जसवंत मोहम्मद शहरियार कैसर खान तलहा रफीक बुरहानुद्दीन मोहम्मद शोएब, जी जसवंत आई नीड योर फीडबैक, अगर तो ठीक है क्लियर है तुम आगे चले, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और कोई चीज आपको डिस्टर्ब करे टू अंडरस्टैंड यू प्लीज शेयर विद मी और राइट इन चैट, अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। जी शहजादा मोहम्मद निशान और हसन रजा तो कहते हैं ठीक है क्लियर है, व्हाट अबाउट अदर्स, ठीक है चले अभी हम एक और भी एग्जांपल करेंगे टू फाइंड आइगन वैल्यूज, अगर 3x3 का मैट्रिक्स हो तो फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, बट बिफोर दिस आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू व्हाट इज करैक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल क्या होता है, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड आपको बाय डेफिनेशन और एग्जांपल से समझ आ जाएगी व्हाट इज करैक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल। जो हमने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी थी lambda determinant of lambda i minus k is equal to 0, ये वाली कहता है अगर इसको एक्सपेंड करें ना इसकी फॉर्म ये बनती है, और अगर जीरो के बजाय हम लिख लें p lambda तो ये क्या बन जाती है, करैक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल ऑफ a इन द फॉर्म ऑफ lambda, इन द फॉर्म ऑफ
जैसे हमारे पास पॉलीनोमियल फॉर्म ऑफ x होता है वो क्या होता है, 1 प्लस a नॉट x, a1x प्लस a2x प्लस सो ऑन an xn। यहाँ पे भी कुछ ऐसी इसी फॉर्मेट में, यहाँ पे an की जो वैल्यू है an की 1 1 है, तो यू कैन इजीली सी इसमें बताया गया द कोफिशिएंट ऑफ लैम्डा n इज 1। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने ऊपर एग्जाम्पल किया क्वेश्चन सॉल्व किया, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल फॉर दैट क्वेश्चन ये जो था दिस वन, इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल अगर हमें लिखना हो जिसको भी हमने सॉल्व किया तो किस फॉर्म में होगा, इन दिस फॉर्म, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल इन द ऑफ डिग्री 2, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा की मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री क्या होगी। और आपसे तो पूछे what is the degree of this polynomial, so you just need to see the degree of the lambda, lambda is the maximum power hai, or is it the degree of the power, theek hai। Now we have example 3, aur is example 3 mein kya karna hai, we need to see, we need to check, we again need to find the आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3/3, ठीक है। सो टू फाइंड द आइगन वैल्यूज वी नीड टू टेक एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ये हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। जब हम इसको लैम्डा आई करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा 0 0 0, लैम्डा 0 0 0, लैम्डा ये आ जाएगा। व्हेन वी विल राइट डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू 0, उसकी फॉर्म कुछ ऐसी हो, ठीक है। और ये कैसे आया, हु विल टेल मी, हाउ कैन वी फाइंड दिस वन, कैसे हम फाइंड करेंगे। अभी जो हमारे पास यहाँ पे जो 3/3 का मैट्रिक्स है इसको हमें सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व जी, आपने ये सीखा हुआ है इसको, एंड यू कैन लर्न अबाउट दिस हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, जो बताया ला आपने से कौन से मेथड हम लगे, हाउ कैन यू फाइंड द डिटरमिनेंट। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो डिटरमिनेंट लैम्डा आई माइनस ए इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये लैम्डा ही क्या है और ए क्या है वो भी मैंने लिखो, यू कैन सी इजीली ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। सो डिटरमिनेंट एज इट इज लैम्डा आई माइनस ए, जब करेंगे मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, कौन सा मैट्रिक्स आएगा, लैम्डा माइनस वन 0 0, लैम्डा माइनस वन एंड माइनस 4 17, लैम्डा माइनस 8, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, यू नो हम ये वाली नोटेशन यहां पे यूज कर सकते हैं, डिटरमिनेंट को लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन लगा लाइक दिस, एंड हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट बताएंगे हमने से कौन सा मेथड हम अप्लाई करें, व्हिच मेथड वी कैन यूज जी टू सुन, कौन कौन से मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कैसे हम फाइंड करें, कौन बताएगा मुझे, करिए सोचिए थोड़ा सा, विच मेथड वी कैन अप्लाई है टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, जी यू पीपल लर्न अबाउट कोफैक्टर एक्सपेंशन, याद आया कुछ, वो आपने मेथड किया हुआ है रो रिडक्शन मेथड जो था,
वो भी आपने किया है, डिफाइन था डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, वैल्यूएट डिटरमिनेंट बाय कोफैक्टर एक्सपेंशन एंड बाय रो रिडक्शन। और यहाँ पे हम स्मार्ट चॉइस भी यूज करते हैं। यू नो स्मार्ट चॉइस क्या होता है कि जिस रो में कॉलम में मैक्सिमम जीरो होते हैं वहां से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। सो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड फ्रॉम आर वन, जो रो वन है वहां से एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसके क्या होता है माइनर एंड को फैक्टर, अगर मैं बात करूँ क्या होगा फॉर्मूला, देखिए के वन वन एम वन वन प्लस ए वन टू एम वन टू प्लस ए वन थ्री एम वन थ्री। तो ये जो आपने एक्सपेंशन मेथड किया है उसी को मैं फॉलो करूँ, ठीक है। नाउ हियर वी कैन इजीली राइट व्हाट इज ए वन वन, दिस इज लैम्डा, व्हाट इज एम वन वन, माइनस रेज़ टू पावर वन प्लस वन टू आएगा तो वो इवन आ जाएगा, इसको मैं नहीं लिखता यहाँ पे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके टू बाई टू का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आएगा लैम्डा माइनस वन सेवनटीन लैम्डा माइनस एट, वो यहाँ आ जाएगा। फिर क्या आएगा प्लस ए वन टू, व्हाट इज ए वन टू, माइनस वन एम वन टू, माइनस वन रेज़ टू पावर वन प्लस टू थ्री होगा तो माइनस वन ही आ जाएगा साथ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे क्या आएगा जीरो माइनस वन माइनस फोर और लैम्डा माइनस एट, एम वन थ्री जीरो है ये तो सारा जीरो हो गया। नाउ यू कैन इजीली सी यहां से आप लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो पेन आएगी कौन सी आएगी, विच वन, एज यू कैन सी दिस इक्वेशन, ये इसको सिंप्लीफाई करने से पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री थ्री हमारे पास आ गया। और हम इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना आइगन वैल्यू फाइंड करें तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन थ्री के फॉर्म। जी बेटा बताएं, ठीक है यादव। नाउ वी नीड टू फाइंड द आइगन वैल्यू, इसकी पावर थ्री है लैम्डा के, यहाँ पे हमारे पास थ्री इसकी वैल्यू है, थ्री आइगन वैल्यू हमारे पास आएंगे, कौन कौन से आएंगे, हाउ टू फाइंड, हाउ टू चेक इट। जी अभी जो हमारे पास हमारा जो वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या थी, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी बनी थी दैट इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो भी हमने लिखी वो क्या थी, and that is lambda raised to power 3 minus 8 lambda square plus 17 lambda minus 4 is equal to 0, ye hamari equation hai। ab yahan pe hum ek method batata hai how to find one of the eigen value, ek eigen value ko kaise find kar sakte hai, kehta hai iski ye jo equation hai hamari iski kuch shape aise like this, kya kare jahan pe hamara constant term hai cn, सी एन क्या है यहाँ पे माइनस फोर के, माइनस फोर के डिवाइजर कौन कौन से हैं, डिवाइजर ऑफ माइनस फोर वो एक माइनस वन है माइनस टू है टू है माइनस फोर एंड फोर, ये इसके डिवाइजर है माइनस फोर के सी एन के, यहाँ लिखा हुआ डिवाइजर ऑफ माइनस फोर आर दिस। अब इन डिवाइजर को सिक्स डिवाइजर टर्न पर टर्न पुट करेंगे किसी को ही करेक्टरिस्टिक जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसकी आइगन वैल्यू, जब इसमें चेक किया तो सिक्स वैल्यू सिक्स को वन बाई वन चेक करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू फोर इज एन इंटीजर सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन देता है लैम्डा इज इक्वल टू फोर, मींस कि जहां जहां पे लैम्डा वहां पे फोर पुट करें सॉल्व करेंगे तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो ये इनको सेटिस्फाई करेगा तो हमारे पास एक फैक्टर मिलेगा वो क्या होगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस फोर, यहाँ से फैक्टर आएगा लैम्डा माइनस फोर, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड करेगा ऑब्वियसली इसका फैक्टर है लैम्डा माइनस फोर डिवाइड करेगा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वी के बाद आपके पास इक्वेशन ये बन जाता है। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन इजीली सी दैट लैम्डा माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हमें क्या देता है लैम्डा इज इक्वल टू फोर, ठीक है लैम्डा इज इक्वल टू फोर, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो जब सॉल्व करेंगे तो दो इसके आंसर आ गए। तो देयर आर थ्री आइगन वैल्यूज जो हमारे पास के मैट्रिक्स है बाय यूजिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यू सी हाउ कैन वी फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स स्केल मैट्रिक्स का, और उसके किस तरह से आइगन वैल्यूज को फाइंड करें। और देयर इज अ वे, अगर हमारे पास पॉलीनोमियल फॉर्म में इक्वेशन हो तो जो कांस्टेंट टर्म है उसके आप डिवाइजर फाइंड करें, डिवाइजर को वन बाई वन पुट करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, जो उसको सेटिस्फाई करेगा वो उसकी आइगन वैल्यू और उसको वो फैक्टर होगा, उस पॉलीनोमियल डिवाइड करेगा। फर्दर डिवीजन के बाद जो आपके पास इक्वेशन है दिस वन, इस फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आएगी और इसको हम जो फैक्टराइज फॉर्म में है यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यूज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है आप में से? एनी क्वेश्चन टू एनीवन हाउ टू फाइंड दिस आइगन वैल्यूज? जी हसन अली और हसन रजा और मोहम्मद हुसैन बुरहानुद्दीन, जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? बताएं भाई, कोई क्वेश्चन है तो बोलें। यस वी हैव दिस क्वेश्चन, वी हैव दिस कंफ्यूजन। जी डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है क्लियर की बात? क्यों भाई, आप बताएंगे तो हम आगे चलेंगे। I will tell you something more about how to find eigen value of some special matrices. So, फिर मैं आपको मैच बताऊंगा। जी तारिक शाह तो हम कहते हैं ठीक है, what about other cells? जी बेटा, मोहम्मद शहजादा, मोहम्मद शाह, हसन रजा, हसन अली, इत्तेहा अली, ठीक है। चलो नो नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इन दिस एग्जांपल, द फोर्थ एग्जांपल, यू विल सी अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज ऑफ एन अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स पहले रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। एंड यू नो व्हाट इज अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स? ऐसा ट्राइंगल, ऐसा आपके पास मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल के बिलो जीरो हो, दैट इज नोन एज अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। लाइक दिस, ये इसकी जनरल फॉर्म, दिस इज मेन डायगोनल और इसके बिलो देखें ऑल वैल्यूज आर जीरो, सो दिस इज अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। सो इफ यू हैव अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, ये इसकी जनरल फॉर्म है और ये 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4x4, 4 रोज 4 कॉलम्स। एंड इफ वी नीड टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, देन वी नीड टू यूज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और उसके लिए हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, किस ऑर्डर का चाहिए होगा? 4x4, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमें चाहिए हमारा 1 है वहां पे क्या हो जाएगा लैम्डा, लाइक दिस। एंड इफ वी विल फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस, पहले उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये होती है, माइनस करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म ये आ जाएगा, और इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होता है, जो हमारे पास अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है तो मेन डायगोनल के एंट्रीज जो मल्टीप्लाई होते हैं वो इसका डिटरमिनेंट है। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी है तो इसको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ लिखा। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन इजीली सी दैट हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यूज क्या आ रही है,
These are just the main diagonal entries. The main diagonal की entries हैं, वही इसका answer, वही इसके आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, this example, the eigen values, the upper triangle matrix is the main diagonal entries. तो main diagonal की entries होती हैं upper triangle matrix की, और इसके हम ये eigen values find करेंगे, इसके main diagonal की entries ही इसकी eigen values। और इसी चीज को यू कैन इजीली चेक आउट, कोई मैट्रिक्स ले इसको सॉल्व करें टू फाइंड इट दिस फाइंड दिस रिजल्ट। और यहां पे थ्योरम के फॉर्म में इसने कंसल्ट किया है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम 5.1.2। इफ ए इज एन n क्रॉस n ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगल भी हो सकता है, लोअर ट्रायंगल भी हो सकता है, देन द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर द एंट्रीज ऑन द मेन ट्रायंगल। So, this theorem tells us that अगर आपके पास कोई भी अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है और मेन डायगनल मैट्रिक्स है, उसमें जो आइगन वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, उसके उसकी क्या होंगी, मेन डायगनल की एंट्रीज ही हमारे पास उसके आइगन होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए फाइंड करके मिल जाएंगे, ठीक है। जी, what is this? This matrix? ये upper triangular है, lower triangular है और diagonal matrix? Which one? You will tell me about this. Upper triangular, lower triangular और diagonal matrix? Which one? और इसकी eigenvalues फिर क्या होंगी? जी डियर स्टूडेंट, असल रजा में बताना चाहते हैं आपको, थैंक यू बेटर से। सर नाइन के नीचे टू है, नाइन के नीचे जीरो है, जीरो है तो फिर सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, अपर भी सर इसके जीरो है और नीचे भी सर, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसकी आइगन वैल्यूज फिर क्या होंगी सर, इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी फिर? ये सर मैं देख एक मिनट करता हूँ, सॉल्व सॉल्व नहीं करना अभी, तो आपने थ्योरम के अकॉर्डिंग देखी, ये जो थ्योरम 5.1.2 है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इसकी आइगन वैल्यूज क्या होनी चाहिए, नो नीड टू चेक थ्योरम को अप्लाई, मेन डायगोनल जो मेन डायगोनल में है वही सर, आप उसकी फिर क्या क्या आइगन वैल्यूज आएंगी बताएं, 9 माइनस 1 और 8, लाइन लैम्डा इज इक्वल टू 9, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस वन और एट, और लैम्डा इज इक्वल टू एट, एट, सो दीस आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स, दिस इज द आइगन मैट्रिक्स बाय थ्योरम 5.1.2, क्लियर, नो नीड टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आप डायरेक्ट अगर आपके पास अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स है, वी कैन अप्लाई द आइगन मैट्रिक्स, वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस थ्योरम 5.1.2, according to this theorem only the main diagonal entries are the eigen values, okay, aur I hope usne koi example next aur bhi kiya hoga, we'll see, yes we have, dekhiye isme in this example 5 example 5 eigen values of lower triangle matrix, ab dekhiye ye hamare paas lower triangle matrix hai, the reason main diagonal se above all entries are zero, iski eigen values kya honge, just a diagonal entry, diagonal is aapke paas hai, so 1/2 hai, 2/3 hai, and lambda is equal to minus 1/4, theek hai, आपको क्लियर हो चुका होगा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे कुछ छोटे क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास टाइम है, फिर मैं आपको आइगन वेक्टर्स के बारे में बताऊँ, सो प्लीज फाइंड द आइगन वैल्यूज, अभी आप सब आइगन वैल्यूज फाइंड करके मुझे बताएं, इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे दिस पार्ट, जल्दी से सॉल्व करेंगे दिस ए पार्ट, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी है, डिटरमिनेंट
लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, इसको यूज करें और इसको फाइंड करके मुझे जल्दी से बता शेयर करें इसमें आइगन वैल्यूज कौन कौन सी है। हरिया जी बेटा क्या वैल्यूज आएंगे शेयर करें मेरे साथ, किसने सॉल्व किया है? वेरी इजी, अभी मैं आपको हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है कि किस तरह से इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, यू कैन शेयर मी द पिक्चर इन व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा, उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और यू कैन डायरेक्टली टेल मी जी हसन रजा ताहिर मोहम्मद ताहिर जी बेटा सॉल्व कर रहे हैं शेयर करेंगे मेरे साथ इसके आएंगे मेरे इसके आएंगे। यहाँ पे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का लेके इसको सॉल्व करना है और इसके 2 आइगन वैल्यूज आपके पास आएंगे, वो कौन कौन से आइगन वैल्यूज हैं प्लीज राइट मी इन द चैट और प्लीज रेज योर हैंड और यू कैन शेयर द फोटो इन व्हाट्सएप ग्रुप, जो भी आपको इजी लग रहा है एनी मेथड एनी प्लेटफॉर्म यू कैन यूज टू शेयर योर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन की जो आइगन वैल्यूज हैं वो शेयर करें मेरे साथ। जी हु इज सॉल्विंग द क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन चैट, कौन कौन सॉल्व कर रहा है टेल मी। जी बेटा जी हसन रजा तारिक शाह मोहम्मद हुसैन सॉल्व कर रहे हैं, अबू हुरैरा जवेद बुरहानुद्दीन जी हसन रजा ने सॉल्व भी कर लिया, वो कहते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1 and 3। जी और किसी ने भी सॉल्व किया है सो प्लीज शेयर दीज वैल्यूज दीज आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स द गिवन मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स ए आप कह सकते हैं। हसन रजा टोल्ड अस दैट द वैल्यूज ऑफ this matrix, the eigenvalues of this matrix is lambda is equal to 1 and lambda is equal to 3. मैं verify करना चाहता हूँ और किसी और ने भी किया है so please share. Is it correct? जी बेटा ठीक है, हसन रजा ने हमारे से शेयर किया यहाँ पे वैल्यूज को, सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 and 3 ऑफ दिस क्वेश्चन जो भी आपके साथ मैंने शेयर किया हुआ था।
चलो थोड़ा सा मैं आपको और यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ, हाउ कैन यू फाइंड द आइगन वेक्टर्स। अभी तो हमने आइगन वैल्यूज फाइंड आउट की ना, सो हाउ कैन यू फाइंड द आइगन वेक्टर्स, आइगन वेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर दिस वी हैव अनदर थ्योरम 5.1.3 दैट गिव्स अस सम इक्विवेलेंट कंडीशन ऑफ अ स्केल मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें क्या थ्योरम है, If A is an n-cross-n matrix, then the following statements are equivalent. और equivalent statement क्या, you can easily see there are four statements. अगर इसमें से एक भी true होगा तो बाकी सब true होंगे, okay? Lambda is eigen value of A. It's mean lambda is a solution of characteristic equation. और if it is a solution of characteristic equation, lambda and lambda is eigen value of A. If equivalent conditions है, अगर A true होता है तो B C D भी true होंगे, D true होगा तो A B C भी true होंगे, C होगा तो A B D भी true होंगे, ठीक है? The system of equation, अब यहाँ पे देखें x भी साथ है, the system of equation has non-trivial solution. If it is a non-trivial solution, it means that lambda is eigen value of it. If lambda is eigen value, it means lambda is a solution of characteristic equation, equivalent condition. D, there is a non-zero vector x such that, अगर हमारे पास ये first definition थी, x is equal to lambda x, what does it mean? There is non-zero vector x अगर हमारे पास हो, it means that lambda is eigen value of this matrix A. And it also tells us that x is a eigen vector. वो हम find out करेंगे अभी eigen vector कैसे हम find करेंगे. So next, you people see how can we find the eigen vectors? और वो eigen vectors कैसे हम find करेंगे? उसके लिए हम ये जो D में ये थ्योरम 5.1.3 में जो ये इक्वेशन है, इसको हम यूज करते हुए हम अपने आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे, दिस वन, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज करेंगे, नाउ इट इज लैम्डा आई माइनस ए इनटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट नहीं है, याद रखिएगा। भी हम तो फाइंड आइगन वेक्टर्स कोरिस्पोंडिंग टू द आइगन वैल्यूज, जो हम इक्वेशन अब यूज करेंगे नेक्स्ट वो लैम्डा आई माइनस ए इनटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट नहीं, ठीक है, इसको हम यूज करेंगे। सो यू विल सी हियर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, फॉर दिस हम ये जो क्वेश्चन 6 है इसको हम यूज करेंगे, और यहाँ पे कुछ एक दो डेफिनेशन और भी है, उसको भी आप देखें, उसको भी माइंड में रखिएगा। और क्या डेफिनेशन है, दस वी कैन फाइंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए कोरिस्पोंडिंग टू लैम्डा बाय फाइंडिंग द नॉन जीरो वेक्टर इन द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ दिस लीनियर सिस्टम, लीनियर सिस्टम होगा दिस सॉल्यूशन स्पेस व्हिच इज कॉल्ड द आइगन स्पेस ऑफ ए, सॉल्यूशन स्पेस हमारे पास आएगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे आइगन स्पेस ऑफ ए कोरिस्पोंडिंग टू लैम्डा, लैम्डा की हेल्प से जो हम फाइंड आउट करेंगे ना सॉल्यूशन वेक्टर के फॉर्म में, जो आप हमारे पास पहले जाएंगे, दैट विल बी नोन एज आइगन स्पेस ऑफ ए, ठीक है। हाउ टू चेक दिस, एग्जांपल 6 को यूज करेंगे, और इसमें क्या कहते हैं, फाइंड बेसिस फॉर द आइगन स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स, बेसिस फाइंड करना है आइगन स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स, मींस के लैम्डा के कोरिस्पोंडिंग जो वेक्टर हमारे पास आएंगे, सॉल्यूशन स्पेस आएगा, दैट विल बी नोन एज आइगन स्पेस, और उसी के हमें क्या फाइंड करनी है, बेसिस, और बेसिस क्या होता है, यू नो दिस सेटिस्फाई टू कंडीशन, व्हिच टू कंडीशन, कि वो जो सेट हमारे पास होगा दैट इज लीनियर इंडिपेंडेंट, और दूसरा दैट विल स्पैन द आइगन स्पेस, यहां पे आइगन स्पेस की बात की जा रही है तो उसको स्पैन करेगा, तो मैट्रिक्स ये है हमारा, इसको नोट कर लें, ए इज इक्वल टू -1 3 2 0, ठीक है। इसके हेल्प से अब हमें फाइंड करना है, पहले तो आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे और फिर बेसिस भी इसका चेक करेंगे। सो दिस इज मैट्रिक्स ए -1 3 2 0, अगर हमें इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, यू नो हाउ टू फाइंड आइगन वैल्यूज, अभी हमने मेथड देखा एंड आल्सो पीपल सॉल्व वन क्वेश्चन, इसके अगर हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है, मैट्रिक्स क्या है हमारा, द गिवन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 -3, ठीक है, और क्या था 2 0, तो यही था ना द प्रीवियस वन, जो भी आपने पीछे देखा -1
थ्री सॉरी यहाँ पे माइनस वन थ्री टू जीरो दिस इज माइनस वन माइनस वन थ्री टू जीरो ठीक है। इसके अब हमने फाइंड करनी है आइगन वैल्यूज भी और आइगन वेक्टर्स भी और बेसिस भी फाइंड करेंगे सॉल्यूशन स्पेस के लिए। फॉर दिस नाउ वी हैव दिस मैट्रिक्स ए और इसी मैट्रिक्स ए के अब हम फाइंड करेंगे आइगन वैल्यूज। कैसे फाइंड करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी हमारे क्या फार्मूला इसका डिटर्मिनेंट लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इसको यूज करेंगे। और यहाँ पे आई है उसकी वैल्यू क्या होगी टू बाई टू का मैट्रिक्स है 1 0 0 1 सो व्हेन यू विल सॉल्व इट ये इसके आंसर हमारे पास होगा लैम्डा टू आएगा और लैम्डा माइनस थ्री आएगा। सो नाउ वी हैव दीस टू आइगन वैल्यूज इसी के इन्हीं आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्ड हम अपने आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं यू विल सी द मेथड हियर। लेट करते हैं बाई डेफिनेशन एक्स इक्वल टू एक्स वन एक्स टू is an eigenvector of ray corresponding to eigenvalue of lambda. उसके लिए अभी हमने क्वेन यूज की थी आपको याद होगा तो मैंने बताई है लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू जीरो इसको यूज करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू टू पुट करेंगे यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो ये जी डी स्टूडेंट्स ठीक है यहाँ तक। Now we have two eigenvalues, lambda is equal to 2 and lambda is equal to minus 3. इन्हीं के corresponding अब हमने eigenvectors find करने हैं और किस equation को use करना है this one. ये जो equation है इसको हम use करके eigenvectors find करें। उसके लिए हम let करते हैं खुद से एक पर eigenvector x1 x2 जनरल है कोई भी हो सकता है x1 x2 उसकी वैल्यू हमने find करनी है। So now we have this equation. अब हमारे पास जो equation हो गई टाइम एंड होने वाला है मैं इसको क्लोज करूंगा अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। सो नाउ वी हैव दिस इक्वेशन इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या आता है देखें मल्टीप्लाई करें 3x1 minus 3x2 2x1 minus 2x1 plus 2x2 is equal to 0 0 then you will solve it यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा x1 is equal to x2 और अगर आप x2 को t लेट करें तो x1 भी क्या आएगा t वो उसमें आप फाइंड आउट करोगे x1 x2 को फॉर इस फॉर्म में लिख सकते हैं t कॉमन लेंगे तो 1 1 तो ये जो हमारे पास 1 1 है इट फॉलोस दैट ये 1 1 आपके पास आएगा दिस 1 1 दिस इज द बेसिस फॉर आइगन स्पेस कॉरस्पोंडिंग टू आइगन वैल्यू ठीक है। ये तो हमने लैम्डा 2 से फाइंड किया है लैम्डा 2 को यूज किया है अगर हमें एक और भी वैल्यू हमारे पास है लैम्डा की वो कौन सी है लैम्डा इज इक्वल टू माइनस थ्री तो जहां जहां पे लैम्डा वहां पे माइनस थ्री पुट करेंगे ये वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगे सेम मेथड अप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे किया एक और हमारे पास बेसिस आएगा इज अ बेसिस फॉर आइगन स्पेस कोरस्पोंडिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू माइनस थ्री इसकी हेल्प से आ ये आपने खुद करना बल्कि अभी करें आपको मैं टाइम देता हूँ। अब आप लैम्डा इज़ इक्वल टू माइनस थ्री के लिए सॉल्व करें ठीक है इस इक्वेशन को फॉर दिस इक्वेशन इसको यहाँ पे लैम्डा टू के लिए किया है आप लैम्डा माइनस थ्री के लिए इसको सॉल्व करें ये डिफरेंट हो जाएगा ये भी डिफरेंट आएगा यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा यहाँ भी अब एंड पे ये रिजल्ट आपके पास आना चाहिए जी सॉल्व करेंगे और इसके साथ साथ मुझे बताएंगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम है कुछ पूछना चाहते हैं यू प्लीज शेयर विद मी जी और जिन स्टूडेंट्स के अटेंडेंस में जो लेट ज्वाइन किया था यू प्लीज रेज योर हैंड आई विल मार्क योर अटेंडेंस एंड इट इज एडवाइस टू ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन द क्लास एट द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर ताकि आपको समझ आए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है कहाँ से हमने स्टार्ट किया क्या प्रॉब्लम्स थे और किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया जी दानियल खलील बेटा टाइम पे क्लास ज्वाइन किया करो ठीक है आपकी अटेंडेंस मैंने लगा दी है जी बेटा अगर क्वेश्चन है तो बताएं एनी क्वेश्चन प्रॉब्लम है शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज रेज योर हैंड आपको अनम्यूट करूंगा और जो आपका प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे।
ठीक है, लैम्डा माइनस थ्री के लिए सॉल्व करेंगे तो आपने फाइंड आउट करना है इसको। और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी आपको देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट साइन सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, इसी की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये एग्जाम्पल सेवन आप खुद से देखेंगे, ठीक है। आइगन वेक्टर्स एंड बेसिस फॉर आइगन स्पेस, एग्जाम्पल सेवन में यू नीड टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ये सेम थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स है, उसी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर, आई होप दिस विल कवर क्वेश्चन नंबर 1 to 14, ठीक है, जो एक्सरसाइज है हमारे, इसमें क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और अभी जो मैंने आपको असाइन किया इसको सॉल्व करें, लैम्डा इक्वल टू माइनस थ्री के लिए इसको सॉल्व करें और चेक करें इसके लिए जो बेसिस बनता है आइगन स्पेस का क्या वो यही है जो इसने गिवन है, आप खुद से इसको चेक करें, ये बात चेक करें जी बेटा। कुछ क्वेश्चन है बताएं मुझे, एनी प्रॉब्लम जी? दानिल खलील आपको मेरी आवाज आ रही होगी, बताएं कुछ क्वेश्चन है? हसन रजा, हसन अली, मोमिन बिन सैफ, हुसनैन, शहरयार, जिशान, जी तला रफीक, जी बेटा एनी क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं? चले सेशन को एंड कर रहा हूँ फिर, इफ यू हैव नथिंग टू आस्क, ठीक है। और जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको असाइन किए हैं उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर फिक्स है वो सर नो क्वेश्चन, एंड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर जैसे कॉन्टेक्ट करें, प्रॉब्लम ऐसे शेयर करें, दैन होप सो वी विल सॉल्व इट और वी विल डिस्कस अबाउट योर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।